स्वागत है आपके अपने चैनल फूड शडंगा में। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी बर्गर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने ये बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, ये तीन आलू हैं। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़े से ये करी लीव्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है टोटली। चिली फ्लेक्स डाल देंगे हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, और हाफ टी स्पून उसमें चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर ये भी हाफ टी स्पून ही डाल रही हूँ, और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये थोड़ी सी हल्दी, और ये फ्रेश हरा धनिया। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा मिक्स तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के पतली सी टिक्की बना लेंगे। यहाँ मैं एक प्याज डाल देती हूँ, इसको मैंने बारीक काट लिया था, ये मैं डालना भूल गई थी। और अब हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारी इसमें मिक्स हो गई है। अब हम थोड़ा सा ये बैटर लेंगे और इसे इस तरह से रोल करेंगे, और हथेली में रख के इसको हल्का सा प्रेस करके इस तरह से हम ये टिक्कियां बना के रख लेंगे। इस तरह से ये हमने अपनी टिक्कियां तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस हमारी ऑन है, हमने यहाँ एक पैन चढ़ा लिया है, और यहाँ हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया है, यहाँ हम 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, इसको चटकने देंगे अच्छे से। अब यहाँ हम 1 कप सूजी भर के डाल देंगे। यहाँ मैं 1 कप सूजी का यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल सूजी है। और अब हम सूजी को थोड़ा भून लेंगे। यहाँ हमारी सूजी भुन गई है। सूजी को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। 2 कप पानी डाल देंगे, 1 कप सूजी है तो 2 कप पानी डालेंगे। और यहाँ पर ही हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। याद रहे कि नमक हमने टिक्की में भी यूज़ किया था, इसलिए थोड़ा कम ही डालें। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। हम इसे 1-2 की शेप में ले आएंगे, इसका पानी अच्छे से हम सुखा लेंगे। ये देखिए सूजी और कढ़ाई अलग अलग हो रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब ये हमारा ये डो तैयार है। अब यहाँ पर हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। सूजी का डो हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप मैदा मिला लेंगे, या उतना मिलाएंगे जितना ये बाइंड हो जाए अच्छे से। ये हमारा डो तैयार है। 1/2 कप मैदा जो था मेरा, उससे थोड़ा सा कम ही लगा है, इतना मैदा मेरा बच गया है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसका 1/2 निकाल लेंगे। अब हम इसको रोल कर लेंगे और इसे को इस तरह से फैला लेंगे, और हम इसे बेल लेंगे। और ग्लास की सहायता से, या फिर आपके पास कोई गोल तरह का कटर हो उससे हम इसमें कट लगा लेंगे इस तरह से, और इनको हम निकाल लेंगे और हम इसे फिर से तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। जिस साइज़ की हमारी टिक्की है उसी साइज़ का ही हमारा ये तैयार हुआ है। हम ये उसी साइज़ का बनाएंगे। हम इसको यहाँ ऐसे रख के फिर इसके ऊपर से ऐसे रख देंगे। अब हम इसी तरह से अपना ही सारे तैयार कर लेंगे। ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। हमारी 10 आलू की टिक्कियाँ बनी थी और 10 ही हमारा ये सूजी का बैटर तैयार हुआ था। ये कम्प्लीटली तैयार हो गई हैं। हमारा ये बचा है तो इसको मैं ऐसे करके बेल लूँगी, थोड़ा पतला बेलूँगी, और इसको लास्ट में इसको चक्कू की सहायता से मट्ठे की शेप में काट लूँगी। अगर आपका ज़्यादा बनता है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी चाय के संग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमने इसमें नमक का यूज़ किया हुआ है। कढ़ाई या पैन ले लिया है, ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं पहले। इनको हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए इस तरह से। और अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे।
एक से डेढ़ मिनट हो गए हैं इसको सीखते हुए। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे और अब हम इसे हल्का हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, ये हमारे दोनों तरफ से सीख गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने ये सारी टिक्कियाँ सेक लेंगे। तो हमारा लास्ट में जो सूजी का डोर बच गया था, ये हम इसकी पटरी से सेक लेंगे। ये भी चाय के संग बहुत ही स्वाद लगते हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे और हम अपनी ये सूजी बर्गर टिक्की तैयार कर लेते हैं सर्व करने के लिए, और गैस को हम ऑफ कर लेंगे। यह हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है सूजी बर्गर। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय।